हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक चटपटे नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। और ये ऊपर से क्रिस्पी बनता है, लगता है देखने में, और अंदर से एकदम रुई जैसा ये पूरा सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा यमी है। मैं यहाँ पर तोड़ के दिखाई हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और बहुत ही झटपट में बन के रेडी आप कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले ली हूँ और थोड़ा सा मैं ली हूँ सरसों तेल, और एक चम्मच मैं ली हूँ यहाँ पर जीरा, और इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर हम डाल दिए हैं दो हरी मिर्च, यहाँ पर दो कटिंग करके मैं यहाँ पर डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लहसुन एक दो तीन कलियाँ यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे हम डाल दिए हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पे देखिए हरा धनिया मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको हम एक से दो मिनट तक यहाँ पे भून लेंगे लो फ्लेम पे, आपको हाई नहीं करनी है फ्रेंड। और तेल ना हम मतलब जो ऑयल है वो आपको कम ही रखना है यहाँ पे। और दो मैं यहाँ पे आलू उबाल के रखी हुई थी और उसको अच्छे से हम मैश कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम डाल दिए हैं पैन में, और इसको हम 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे लो फ्लेम पर। आपको यहाँ पे हाई बिल्कुल नहीं फ्लेम करना है, एकदम लो फ्लेम पे आपको ये इसको भूनना है। और ये देखिए अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चम्मच में यहाँ पे गाजर कद्दूकस करके यहाँ पे हम डाल रहे हैं। आपको अगर ये पसंद हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं दो हरी मिर्च यहाँ पे काटिंग करके यहाँ पे हम डाल दिए हैं। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको चलाते जाएँगे, आपको छोड़ना नहीं। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसमें से खुशबू आने लग गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये नाश्ता। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना, बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में मतलब रेडी कर लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बच्चों और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है ये नाश्ता, और बहुत झटपट में बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये भुना चुका है आलू। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं मतलब स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे देखिए नमक इसमें हम डाल करके हम 1 से 2 मिनट तक मतलब और हम भून लेंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है और इसको हम लगातार इसमें चलाते जाएंगे फ्रेंड्स। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप यहाँ पे मैं पानी डाली थी, और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सूजी 1/2 कप। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको आपको पकाना है लो फ्लेम पे, और ये बहुत ही जल्दी बाइंड हो जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ना, जैसे आप सूजी डालेंगे ना बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को सूजी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये जब कर लिया है। तो फिर से हम थोड़ा सा और हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। देखिए मैं जो और पानी जो बचा के रखी थी वो मैं यहाँ पे डाल दी, तो लगभग इसमें 1 कप मैं पानी डाली थी, उस टाइम मैं 1/2 कप डाली थी तो कम पड़ गया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्दी यहाँ पर हम डाल दिए हैं ताकि इसमें से हल्का कलर आ जाए, पीलापन येलो कलर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और ये देखिए सूजी लगभग ये पक चुका है और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे। ये देख सकते हैं ना, काफ़ी मतलब सूजी डालने से, थोड़ा सूजी डालेंगे तो ये फैल जाता है। तो ये देखिए कितना मतलब हो गया है, मैं 1/2 कप सूजी इसमें डाली थी। तो ये देखिए अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और चलाते जाएंगे लो फ्लेम पे, और ये बहुत ही जल्दी से ये बाइंड हो गया है आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, और ये लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा करके फैला लूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी जो मैं बनाई थी आलू और सूजी का। और तो यहाँ पे मैं अच्छे से फैला दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद ठंडा होने के बाद हम मतलब छू सके।
तो ये देखिए ठंडा हो गया है, यहाँ पे मैं छू करके यहाँ पे चेक कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना, वैसे हम बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये चिकना सा बन के रेडी हो गया है। और इसको हम अच्छे से दबाते जाएंगे, और इसको हम जैसे टिक्की बनाते हैं ना ऐसे करके इसे दबा करके आपको बनाना है। तो ये देखिए हम एक ठो बना करके आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर से हम वैसे ही करके हम बनाएंगे। और थोड़ा सा घी या ऑयल आप ले करके हाथ में जब इसको मसल कर बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही चिकना बन के रेडी होता है, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे ही आपको बनाना है, मैं यहाँ पे दिखाई हूँ। तो उसके बाद ऐसे ही मैं करके सारे यहाँ पे टिक्की बना ली हूँ। और चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पैन में रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, कुकिंग ऑयल। उसके बाद थोड़ा सा मैं चेक की हूँ, तो ये देखिए गर्म हो चुका था ऑयल। उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे हम डालेंगे। और ये देखिए मैं पाँच ठो मैं यहाँ पे डाली थी। और इसको देखिए अच्छे से हम इसको पलटेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और तेल को ना एकदम गरम करके तब आप डालिएगा। मुझे थोड़ा गलती हो गया था, तेल थोड़ा ज़्यादा गरम नहीं हुआ था, इसके वजह से वो चिपक गया था थोड़ा सा। तो आप बनाएंगे तो आप पूरा तेल को क्या करेंगे, पूरा गरम करके उसके बाद आप डालिएगा। तो बाद में ये देखिए अच्छे से ये मतलब ये इसको पलटे हैं तो अच्छे से ये हो गया है। तो ये देखिए ब्राउन कलर आपको करना है, लो फ्लेम पे आपको मतलब पकाना है इसको। हाई नहीं करेंगे ना, हाई करेंगे तो ऊपर से ये पक जाएगा, दिखेगा पक चुका है बट अंदर से कच्चा रहता है। तो इसको हम अच्छे से पलट करके इसको हम पका करके ये देखिए फाइनली ये पक गया है अच्छे से। तो इसको हम निकालेंगे प्लेट में। तो ये देखिए मैं सारे बनाकर रेडी कर ली हूँ, और एक मैं प्लेट में लगा ली हूँ। और यहाँ पे मैं सॉस और हरी धनिया का चटनी यहाँ पे मैं रखी हूँ। इससे आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, और देखिए मैं सॉस में ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको, और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं हरी धनिया का चटनी पीसी हुई थी, उसके बाद ये दो चटनी यहाँ पे रखी हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।